गाइस वेलकम बैक, दिस इज सौरभ एंड नाउ यू आर वाचिंग द राउत क्लासेस। आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि बैलेंस शीट क्या है, कि एक स्टेटमेंट है जो कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। और आज हम लोग कंपनीज की ही बैलेंस शीट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में स्पेस थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने वर्टिकल कॉलम को नीचे तो स्पेस थी नहीं, इसलिए मैंने उसको काट करके आधा जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी उसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इधर लाइबिलिटी साइड्स आपकी है, लाइबिलिटी साइड और आप जानते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों ही एक वर्टिकल कॉलम में होती है, तो मैंने यहाँ पर आधे को काट करके बस इधर ट्रांसफर कर दिया। या आप हॉरिजॉन्टल कॉलम, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है होती है वर्टिकल कॉलम में, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बैलेंस शीट। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया प्रोफॉर्मा क्या होती है, कि एक वर्टिकल कॉलम होती है जगह हम लोग पार्टिकुलर्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ नोट नंबर जो कि रेफरेंस नंबर होती है जहां से आपने डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट के लिए एक कॉलम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो आपका हेड आता है वो आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, और जो दूसरा हेड होता है वो होता है एसेट्स का। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बारे में। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला जो आपका हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के द्वारा जितनी भी एक्वायर की गई जो कैपिटल होती है कंपनी की, उसको हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। कंसिस्टेंट पार्ट क्या है शेयर होल्डर्स फंड में, तो ये है सर कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल जो होता है एक्चुअल, जो शेयर के माध्यम से या सिक्योरिटीज से जो मींस कंपनी जो है वो बेसिकली अपनी एसेट्स सॉरी अपनी कैपिटल को रेज करती है, तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल के हेड के अंदर में रखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होती है कि कंपनी को कभी कभी शेयर को इश्यू करते समय कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलती है, जैसे कि अगर उसको उन्होंने प्रीमियम पे अगर इश्यू किया है शेयर को, तो उनको कुछ ना कुछ शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा उनको रुपया मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि उस रिजर्व को जो अमाउंट होती है उसको सरप्लस के तौर पे उसको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं। फिर आती है आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं नॉन करेंट का मतलब होता है कि अकाउंटिंग ईयर मतलब कि वन ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या फिर उससे ज्यादा मतलब 12 मंथ से ज्यादा तक अगर आपकी लाइबिलिटीज को पे आप नहीं करते हैं तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में आती है। ऐसी लाइबिलिटी जिसको 12 महीने से कम में कम के टाइम में आप उसको पे नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग सबसे पहले आता है कि अगर आपने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किया है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो अगर आपको उसको पे नहीं करना है 12 महीने के अंदर में, तो आप उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में रखेंगे। दूसरा आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। चूंकि जो डिफरेंस होती है अकाउंटिंग इनकम और जो टैक्सेबल इनकम होती है उसकी जो डिफरेंस होती है वो आती है आपके डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में। एक्चुअली वो डिफरेंस हो गया कि आपने जो इनकम अर्न किया है और आपने जो टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम बचती है, दोनों की जो डिफरेंस है वही यहाँ पर आएगी आपकी डिफरेंस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में। फिर है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में नहीं रख सकते हैं, उसको हम लोग अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के हेड में दिखाते हैं। फिर अब क्या आती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसी प्रोविजंस जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा प्रोविजंस रिजर्व के बारे में, तो आपको मालूम चला होगा कि सर प्रोविजंस जो होती है बस हम लोग एक एंटिसिपेट करके रखते हैं कि हमारी इस तरह की लाइबिलिटीज आगे चल करके अराइज हो सकती है और होगी, इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना के रखते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए, सॉरी 12 मंथ से ज्यादा के लिए। और करंट लाइबिलिटीज अब आती है आपके तीसरी हेड के अंदर में, उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको करंट लाइबिलिटीज का मतलब हो गया कि ऐसी लाइबिलिटीज जिसको आपको रिमिट करने के लिए या रिपेमेंट करने के लिए आपको एक साल से कम का समय मिलता है। इससे सबसे पहले जो आपकी हेड आएगी वो आएगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ऐसी बोरिंग जो कि एक साल से कम में आपको पे करना है। दूसरा है आपका ट्रेड पेएबल्स जो कि रेकरिंगली जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, तो आप अगर कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ भी अगर आपके इक्विपमेंट्स आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, तो उसको आपको दिखाना होगा ट्रेड पेएबल्स के अंदर में, क्योंकि आपको उसको पे करना होता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। और फिर आपका आता है अदर करंट लाइबिलिटी, जिसको आप ऊपर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेएबल्स में नहीं रख सकते और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में रख सकते, उसको आप अदर करंट लाइबिलिटीज में रखेंगे। फिर है आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन जिसको एक साल के अंदर वन अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में आपको रिमिट करना है। ऐसे प्रोविजन अगर आप बना के रखते हैं कि सर इससे इसके बीच में ये अराइज हो सकता है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, अगर हो जाती है तो आपको उसको रिमिट करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना के रखनी होती है। ये बात थी आपकी सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज के बारे में। मैंने यहाँ पर एक हेड जो होता है जैसे कि आपकी जो आती है कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो कि
कुछ नेसेसरी नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली, क्योंकि बैलेंस शीट में आपकी बुक में तो दिया ही होगा, आप देख सकते हैं उसमें बेसिकली ये दिखाते हैं कि जो एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया है उसको आपको अलॉट कैसे करना है, कितनी मनी आपको अपने एप्लीकेशन पे रिसीव करी है उसको अलॉट करना है। इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा, उसकी कुछ कोई खास यूज नहीं होती है। अब आपका आता है एसेट सेट, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको दिखाया गया है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट का मतलब यही होता है कि सर अगर जिस एसेट की जो वैल्यू होती है, जिसका यूज होता है, वो मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए अगर आप यूज करते हैं तो वो नॉन करेंट एसेट के अंदर में आता है। नॉन करेंट एसेट में जो आपका सबसे पहला हेड है वो है सर फिक्स्ड एसेट का। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है जिसकी वैल्यू जो होगी सर उसको आप तुरंत उसके मॉनेटरी टर्म में उसको कन्वर्ट आप नहीं कर सकते हैं, यू कांट सेल इट, और इसकी यूजेज जो होती है मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए होती है। इसमें सबसे पहला आपका आता है फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो एसेट्स क्या कहलाती है, टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। फिर आपकी आती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, बट उसकी जो इंपॉर्टेंस, उसकी जो बेनिफिट्स, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर आती है आपकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि अगर आपके टेंजिबल एसेट्स जो है वो आपकी बिल्डिंग के कगार पे है या फिर वो प्रोसेस में है, बनने के कगार पे है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कि आपकी जो है एक फिक्स्ड एसेट बन रही है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि फिक्स्ड एसेट में हम लोग काउंट करेंगे। फिर आपकी आती है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि आपकी गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट है, और अगर गुडविल को बनने में आप जानते हैं कि समय लगता है, क्योंकि आप एक ही साल में अगर आप ऑपरेटिंग कर करके आप अच्छी गुडविल अर्न कर लेंगे ये जरूरी नहीं है, हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कि हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट को भी हम लोग फिक्स्ड एसेट के अंदर में रखते हैं, क्योंकि गुडविल की जो बेनिफिट होती है आप मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए आप उसको एंजॉय करते हैं। अब है आपका नॉन, इसमें जो है ये आपका नॉन करेंट एसेट्स थी, अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। फिक्स्ड एसेट के बाद जो आपका है वो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक साल से कम नहीं उससे ज्यादा ही आपको मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं। मतलब कि जो आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं रेकरिंगली होती हैं, आपको बराबर उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। इसमें आपको वन टाइम आपको प्रीमियम को पे करना है और उसकी बेनिफिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए आपको एंजॉय करनी है। फिर है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जस्ट लाइक ये जो आपका था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, यहाँ पर आपका क्या है सर, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, मतलब कि आफ्टर पेइंग टैक्स वो इनकम, और आपका जो अकाउंटिंग इनकम है, इन दोनों की डिफरेंस, जहां पर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होता है अकाउंटिंग इनकम से, तो उस केस में क्या होगी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स आएगी। और यहां मैंने लिखा है नेट, यहां भी मैंने लिखा है नेट, नेट का मतलब दोनों की डिफरेंस जो आएगी वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। फिर आपकी आएगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपकी कॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी ने क्या किया है कि मीन्स आउटसाइडर को लोन और एडवांस दिया है, किया है, तो उस केस में क्या होगी, अगर लॉन्ग टर्म एडवांसेस है तो हम लोग उसको कहाँ रखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स में ही रखेंगे, जहां पर आपकी जो लोन है उसको आप एक साल के अंदर में आपकी वो पेमेंट आने वाली नहीं है, एक साल के बाद या वो वन ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वो आपको मिलेगी। फिर है अदर नॉन करेंट एसेट्स, जो एसेट आप इससे ऊपर में, जितनी भी आपके नॉन करेंट एसेट जो कि आप ऊपर के हेड में नहीं रख सकते थे, उसको आप अदर नॉन करेंट एसेट्स के हेड में रखेंगे। फिर आपकी आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट जैसे कि नाम खुद सजेस्ट करता है कि ये वो एसेट्स है जिसकी बेनिफिट, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं इन विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप उसको करंट एसेट्स के हेड में रखेंगे। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि रेकरिंगली होती है, जिसकी प्रीमियम आप रेगुलरली पे करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, करंट एसेट्स के अंदर में आपका करंट इन्वेस्टमेंट वो आती है। फिर आपकी है इन्वेंटोरीज। इन्वेंटोरीज का मतलब होता है स्टॉक, जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हैं सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह परचेज करने के लिए, तो आप देखते हैं जो वेंडर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ या आप अपने दुकान में मीन्स एक स्टॉक रखते हैं, अपने पास में गैदर कुछ मटेरियल्स रखते हैं जिसमें से आपको वो निकाल करके कुछ सामान आपको सेल करते हैं, तो उस केस में क्या होती है वो इन्वेंट्रीज कहलाती है। और अगर आप बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात जो हम लोग यहाँ पे पहले कर रहे थे कहाँ पे कि सर ये वाला, ये जो आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, इसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे कि सर जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जहां पर आपकी जो इन्वेंट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल्स कहलाती है। रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स भी हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है आप क्या कर सकते हैं, इन्वेंटरीज को आप स्टॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स भी हो सकती है, या अगर आपने कुछ सेल करने के लिए ला रखा है उसमें से आप कुछ कुछ करके सेल कर रहे हो, तो आपके पास में जो गैदर मटेरियल होता है वो कहलाता है इन्वेंटरीज। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल है,
रेगुलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी कंपनी से जो है कुछ ना कुछ आप सेल करते हैं डेली बेसिस पे, और अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है आपने या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं 11th क्लास की जो वीडियोस बनाऊंगा तो आप वहां पे क्लियर कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर आपके पास में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कुछ भी अगर आपके पास में ऐसा मीन्स सम ऑफ मनी है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारे नॉन करेंट सॉरी करेंट एसेट्स के अंदर में आएगी। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसी लोन और एडवांस जो कि लेस देन वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हम लोग क्या करते हैं किन्हीं को देते हैं, तो वो हमारे लिए एसेट होता है और वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर में ही हम लोगों को ये रुपया पेमेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको करेंट एसेट्स के अंदर में रखते हैं। और लास्टली है आपका अदर करेंट एसेट, जिसको आप ऊपर की करेंट एसेट्स के हेड में नहीं रख सकते, उसको आप अदर करेंट एसेट्स के हेड में रखेंगे। और फिर आपका जो टोटल होगा एसेट्स का और टोटल होगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, ये दोनों ही बराबर होगी और ये आपकी जो बैलेंस शीट होगी वो आपकी एकदम करेक्ट कहलाएगी। तो ये बातें थी आपके बैलेंस शीट के बारे में। आगे हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व क्या होती है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में हम लोग जो कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि सर कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि आप कभी कभी मिसअंडरस्टैंड भी कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। देखिए कैपिटल रिजर्व क्या होती है, ये एक वैसी रिजर्व है जो कि आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ये निकाली जाती है। मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है, अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, जब आपकी जो कैपिटल की जो परचेज और सेलिंग होती है उसके दौरान कैपिटल कुछ भी आ सकता है, आपका आपका डिबेंचर आ सकता है, शेयर आ सकता है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स आ सकती हैं, एनीथिंग कुछ भी। अगर आपकी कैपिटल से रिलेटेड अगर आप ट्रांजैक्शंस हो रही है और उसके बीच में अगर आपकी कंपनी को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट से कुछ रिजर्व जो निकाला जाता है जिसको शेयर नहीं किया जाता है एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कहते हैं। मतलब कि ये वो प्रॉफिट है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। और एराइज कहां से होती है, कैपिटल ट्रांजैक्शन से एराइज होती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन किया, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑन फ्रॉम ट्रांजैक्शंस ऑफ द कैपिटल नेचर एंड हेंस इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। कैपिटल प्रॉफिट जो है सर वो कहां से, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट्स फ्रॉम व्हिच द कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड, ये क्या है, कैपिटल रिजर्व कहां से आप क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट कितने तरह की होती है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। देखिए गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपको फिक्स्ड एसेट आप सेल कर रहे हैं उसमें अगर प्रॉफिट होती है तो आप इसको यहाँ पर उससे भी आप कैपिटल रिजर्व को निकाल सकते हैं। दूसरा है गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर फॉरफिटेड शेयर्स, आप जानते हैं आपने शॉर्ट भी किया होगा, नहीं किया है तो मैं आपको बताने वाला हूं आगे फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। जब किसी शेयर होल्डर ने एक्चुअली अगर अपने रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स पे रुपया पे नहीं किया है या वो चुक गया एप्लीकेशन का दिया है और अलॉटमेंट या किसी अदर कॉल पे जाकर के वो फंस जाता है, नहीं देता है रुपया, उसकी जो अमाउंट जितना उसने पहले पे कर चुका है उसको हम लोग क्या करते हैं सीज कर लेते हैं, और सीज करने में जो हम लोगों को जो प्रॉफिट होती है उससे हम लोग क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या नहीं किए होंगे तो मैं आगे बताने वाला हूं, अगर किए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पर फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है। फिर है सर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट को सेल और परचेज करते हैं तभी अगर आपकी प्रॉफिट होती है कहीं किसी भी तरह की तो उससे हम लोग कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। गेन ऑन परचेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर आप किसी सेकंड पर्सन के हाथों अगर आप बेच देते हैं तो भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉफिट होगी तो वो कैपिटल रिजर्व में, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट होगी और उससे हम लोग कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। अब आता है सर रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या है, क्या ये कैपिटल रिजर्व का उल्टा है, एकदम नहीं सर। सर ये रिजर्व कैपिटल जो है ये वो कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल मतलब कि द पार्ट ऑफ द सीओर कैपिटल दैट अ कंपनी होल्ड्स एंड डू नॉट कॉल्स फॉर सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट इन केस द कंपनी वुंड अप। एक केस ऐसा होता है जब कंपनी को कभी कभार ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसी होती है कंपनी को बंद होनी पड़ती है या कंपनी को बंद करना पड़ता है और उस केस में जो कंपनी की जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है या उसके खुद के जो शेयर होल्डर्स हैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर एसेट्स को अगर आप सेल करते हैं और सेल करने के बावजूद भी अगर आपकी जो है लाइबिलिटीज रिमिट नहीं हो पाती है तो आप क्या करेंगे, तो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग या प्रोमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं,
कंपनी की जो टोटल कैपिटल्स होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको वो लोग शेयर मतलब इश्यू नहीं करते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, बल्कि कुछ पार्ट को बचा के रखते हैं। बचाने का मतलब है कि इनके जब कंपनी वुंड अप होगी, बंद होने वाली होगी, तो उसको वो खुद सब्सक्राइब करेंगे, मतलब प्रोमोटर्स खुद उसको खरीदेंगे, और जो रुपए कंपनी के नाम पे आएगी, कंपनी के पास रहेगी, उसको वो रिमिट करने के लिए रख सकते हैं कि आइए हम आपका लाइबिलिटी चुकाने के लायक हैं। और इसको चुकाने के लिए वो लोग कहाँ से रुपए लाते हैं सर? वो रिजर्व कैपिटल से लाते हैं। आई थिंक कि आपको कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बारे में एक जो बेसिक कॉन्ट्रास्ट होती है वो क्लियर हो गई होगी। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि आगे आपको इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और यूज आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक इट, शेयर इट विद योर नेटिव वंस, एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।